वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ फेक बोले कौवा काटे, द ओनली शो दैट गेट्स यू ऑल द फेक न्यूज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। सारा का सारा गंदा फंदा फेक न्यूज सब मिला के हम आपको बताते हैं कि व्हाट न्यूज गॉट यू, व्हाट न्यूज फूल्ड यू, एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम फेक न्यूज। हर जगह से फेक न्यूज लाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से, साउथ इंडिया से, ऑल द वर्स्ट ऑफ फेक न्यूज एक्सपोज्ड बाय 3 ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स, 3 ऑफ द बिगेस्ट फेक न्यूज बस्टिंग वेबसाइट्स, राइट हियर ऑन दिस शो, फेक बोले कौवा काटे। So, शुरुआत करने से पहले, बिफोर वी गेट इन टू ऑल द सीरियस इश्यूज, ये देख लीजिए फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं। एसवाई कुरेशी हैज शेयर्ड अ फेक न्यूज। वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही डिड नॉट एक्चुअली शेयर अ फेक न्यूज, इट वाज अ रादर क्यूट फेक न्यूज। आई विश सारे के सारे फेक न्यूज ना इतने ही क्यूट हो। देखिए क्या कह रहे हैं कुरेशी जी, कह रहे हैं, रिसीव्ड अनदर हिलेरियस वन, दिस पपी इज ईटिंग बाबा रामदेव पतंजलि फूड, सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। So obviously we can verify on this show that this is a fake news. लेकिन what a cute fake news. You know, one wishes कि सारे के सारे fake news इतने cute हो, इतने simple हो declare करने के लिए. We all need to have a little bit of laugh on WhatsApp में ना, अगर आप यही वाले चीजें forward करें ना तो बेहतर होगा. Unfortunately, a lot worse was forwarded on WhatsApp this week. फेक न्यूज कौवा काटे में शुरू करते हैं। ऑफकोर्स सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, जो कथुआ में हुआ, एक इनोसेंट का अबडक्शन, रेप, गैंग रेप, एंड ऑफकोर्स उसके बाद मर्डर। लेकिन ये जो चार्जशीट के बाद जो नेशनल आउटरेज हुआ, उसके बाद सडनली बिहार, असम, दूसरे जगहों से भी रिपोर्ट्स आने लगी कि ऐसे केसेस वहां भी हुए थे, परहैप्स इन एन अटेम्प्ट टू डाइल्यूट द इंटायर एपिसोड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और फेमस लोगों ने भी ये सारी खबरें शेयर की। ये देखिए, फॉर एन एग्जांपल, रवीना टंडन शेयर करती हैं इमेजेस ऑफ अ वुमन्स बॉडी लाइंग फेस डाउन इन अ वाटरी पैडी फील्ड, एंड इसको क्लेम किया गया दैट इट वाज अ माइनर हु वाज एलिजिबली रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय एन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट। तो पूरा एक डिफरेंट कलर देने के लिए ये सारे फेक न्यूज है जो उसको स्प्रेड किया गया। तो boomlive.in एक्चुअली गॉट इन टच विद वायलेट बरुआ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और पता किया कि ये एक्चुअली ट्रू है ये खबर या नहीं जो बताया जा रहा है। सो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देन सेड दैट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है दैट देयर वाज नो रेप, दिस वाज नॉट अ माइनर, दिस वाज अ पर्सन इन द 30s, दिस केस कुड हैव बीन सम अदर केस, द रीजन ऑफ दिस किलिंग इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये बिहार में भी ऐसा देखा गया कि कॉन्टेक्स्ट उठा के एक डिफरेंट केस बना के आप उसको एक फेक न्यूज बना देते हो। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जब इतना ज्यादा आउटरेज हुआ है और इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है एडमिनिस्ट्रेशन पे और गवर्नमेंट पे, लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू गिव अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पिन टू दिस स्टोरी बाय सेइंग दैट देयर आर अदर इंसिडेंट्स, बी वेरी वेरी केयरफुल, कथुआ इंसिडेंट विल सी, उन्नाव इंसिडेंट विल सी अ लॉट मोर फेक न्यूज कमिंग योर वे। फेक बोले कौवा काटे नंबर 2, बिग फेक न्यूज। ये पुराना फेक न्यूज है, देखिए फेक न्यूज मरता नहीं है, वो बार बार आते रहता है आत्मा की तरह। एक पुराना सा फेक न्यूज जो हर मेजर रेप इंसिडेंट के बाद फ्लैश होता है इज दैट सरकार ने एक न्यू लॉ बना दिया है। आइए देखते हैं ये क्या फेक न्यूज लॉ है। ये फेक न्यूज लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यू पिनल कोड 233 पास्ट एंड नाउ इट लीगली अलाउज वुमेन टू किल अ मैन ऑन सस्पिशन ऑफ गेटिंग रेप्ड। As a matter of fact, इसमें डिटेल भी बताया गया है that if the girl is suspected to be raped or getting raped, then she has the supreme right to kill the man, injure his sexual parts or harm that person dangerously and the girl won't be blamed for murder. अब आप देखिए कितनी खूबसूरती से फेक न्यूज बनाया जाता है आपकी और हमारी इनसिक्योरिटीज को डील करने के लिए कि उसका नंबर भी है, इट इज कॉल्ड पिनल कोड 233। ना ऐसा कोई पिनल कोड है, ना ऐसा कोई 233 है, और अगर आप कॉमन सेंस लगा के देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि नेचुरल जस्टिस और लॉ अलाउ नहीं करती है कि आप किसी को सस्पिशन पे किसी का मर्डर कर दो। तो अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो आपको मालूम है कि ये फेक न्यूज है। नंबर 3 ऑन फेक बोले कौवा काटे, पुराने पापी हैं, रेप्यूटेशन थोड़ा खराब है, इसीलिए लोग ने ये वाला भी न्यूज मान लिया। भाई हुआ यूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा एक खबर फैल गई कि जी टीवी ने ऐसा दिखाया कि ये जो भारत बंद हुआ था तब एक आदमी जो गन फायर कर रहा था उसका दाढ़ी बढ़ा के उसको एक कम्युनिटी से दिखाने के लिए जी टीवी ने ऐसा इमेज ब्रॉडकास्ट किया। तो ये पता लगाया कि ऑल्ट न्यूज ने कि ऐसी बात है कि भाई आजकल न्यूज चैनल क्या इमेजेस ऑल्टर करनी भी शुरू
शुरू हो गई है, नॉट ओनली फेक न्यूज फैलाना, फेक न्यूज बनाना भी शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बेस वीडियो लिया, इसका वीडियो लिया, दूसरे चैनल से भी वीडियो लिया, एंड देन दिस वीडियो वॉज फ्रीज फ्रेम्ड। और फ्रीज फ्रेम करके देखा गया कि जब आप एक जगह उसको फ्रेम करते हो, फ्रीज करते हो, तो वीडियो कभी कभी इलोंगेट हो जाता है। उसके वजह से एक बंदे की दाढ़ी एक्चुअली लंबी बन गई थी और जी टीवी ने उसी समय उसको अनफॉर्चुनेटली फ्रीज करके वो फ्रेम दिखाया था। तो शायद जानबूझ के नहीं दिखाया था, शायद गलती में दिखाया था, थोड़ी एडिटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन थैंक गॉड, ये बताने में थोड़ी खुशी हो रही है कि ये फेक न्यूज था, कि जी टीवी ने कोई डिजिटली कोई इमेज को ऑल्टर करके किसी को और यू नो सैड लाइट में दिखाने की कोशिश की थी। सो ये फेक न्यूज था। नंबर 4 ऑन फेक बोले कौवा काटे। भाई देखिए, ममता बनर्जी तो ऑलवेज कंट्रोवर्शियल हैं, तो ममता बनर्जी पे जब कंट्रोवर्शियल न्यूज आई तो लोगों ने बहुत मान लिया। भाई हुआ यूं कि सोशल मीडिया में बात फैल गई कि ममता बनर्जी ने अपने ही पार्टी वर्कर्स को बोला कि आप वंदे मातरम नहीं गा सकते हो। बस और क्या था, पार्टी वर्कर्स भड़क गए, पार्टी वर्कर्स ने दे तोड़ताड़ तड़म शुरू कर दिया और वंदे मातरम के चांट्स भी लगाने शुरू कर दिए। तो भाई इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऑल्दो शी इज अ वेरी टेम्परमेंटल लीडर, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला क्यों। तो भाई ऐसा हुआ कि बूम लाइव ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया ये जो वीडियो है, यहां आप देख रहे हैं तोड़ फाड़ चल रही है, ये वीडियो कब का है। देखिए इंटरनेट कभी भूलता नहीं है। तो भाई पता चला ये वीडियो आज का नहीं है, कल का नहीं है, परसों का नहीं है, 12 साल पुराना वीडियो है। जी हाँ, मैंने आपको बोला था फेक न्यूज कभी मरता नहीं है, उसके 9 लाइव्स होते हैं, वो आत्मा की तरफ वापस आते रहे। सो हुआ यूं था कि 12 साल पहले जब शिंगूर एजिटेशन हुआ था, तब ममता बनर्जी गई थी शिंगूर प्रोटेस्ट करने के लिए, जहां पुलिस ने उनको एलिजिबली मैन हैंडल किया था। इसी मैन हैंडलिंग के चलते हुए उनके पार्टी वर्कर्स गुस्सा होके उन्होंने वेस्ट बंगाल असेंबली में तोड़ फाड़ कर दी थी इन सपोर्ट ऑफ हर। अब देखिए फेक न्यूज का करामात, वही सपोर्ट को आज 12 साल बाद वही वीडियो यूज करते हुए दिखाया गया कि ममता बनर्जी ने बोला था कि आप वंदे मातरम नहीं गा सकते हो और इसीलिए उनके पार्टी वर्कर्स ने उन पर रिवोल्ट कर दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था, मसालेदार स्टोरी जरूर थी। फेक बोले कौवा काटे में मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी कभी ऐसा फेक न्यूज भी आ जाता है जो हम चाहते हैं कि रियल हो, हम मानना चाहते हैं, और ऐसा ही एक मानने वाली फेक न्यूज आ गई जी। क्या, अरे फेसबुक बंद हो रहा है जी। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे मार्क ज़करबर्ग खुद कह रहा है, सुन लो सुन लो सुन लो, ही सेज आई एम गोइंग टू शट डाउन फेसबुक। एवरीवन, ज़क हियर विद अ ह्यूज अनाउंसमेंट। सो आफ्टर मच कंसीडरेशन आई डिसाइडेड दैट आई द ज़क मैन हिमसेल्फ विल बी डिलीटिंग फेसबुक। ओके, डोंट फ्रीक आउट, लेट मी एक्सप्लेन। आई वांट यू ऑल टू नो that I've heard your criticisms and your concerns about Facebook. And recently, I've had to take a really hard look at Facebook's impact on the world, and some of what I found has me concerned too. I created Facebook to connect and bring people together. But now, 14 years later, studies have shown that spending too much time on Facebook can leave people feeling isolated and alone. And there's probably a lot of you out there that are on FB way too much, and that's why I have to delete Facebook, like everyone's Facebook. That's right, I'm shutting Facebook down for good. You're free, everyone. You're welcome. Suck out. तो भाई ये वीडियो तो था फेक, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती से इस वीडियो को बनाया गया है। ओरिजिनल वर्ड्स जहां जहां है वहां मार्क ज़करबर्ग है, जहां जहां आर्टिफिशियल वॉइस ओवर है वहां लोग स्क्रीन देख रहे हैं, डेस्कटॉप देख रहे हैं, अपना टैबलेट देख रहे हैं। फेक न्यूज जब बनाना हो ना स्टाइल से तो ऐसे बनाया जाता है। ऑफकोर्स दिस इज सटायर, ऑफकोर्स दिस इज अ सार्कास्टिक टेक, लेकिन देखिए खूबसूरती से कैसे बनाया जाता है फेक न्यूज, वो आपको देखना जरूरी है। लेकिन हम ये एक्चुअली मानते हैं कि फेसबुक में कम से कम फेसबुक बंद हो ना हो, लेकिन इसमें से जो फेक न्यूज फैलता है और इसमें जो आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स जो फैलता है, कम से कम वो जरूर रुकना चाहिए।
भाई दैट्स ऑल वी कुड पैक फॉर यू एटलीस्ट इन दिस एडिशन ऑफ एपिसोड नंबर 2 फेक बोले कौवा काटे। वैसे तो बहुत सारे और खबरें भी हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वी कैन पैक इन मोर फेक न्यूज एवरी वीक फॉर यू एंड गेट यू द बेस्ट द लेटेस्ट सो दैट कम से कम आप ना सावधान रहिए। लेकिन अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई फेक न्यूज क्वेश्चन है, डू लेट अस नो। लेकिन प्लीज बी अवेयर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप फेक न्यूज पे पड़ गए, अगर आप फेक न्यूज में बिलीव करने लगे तो कौन काटेगा?